देओल परिवार जो है आजकल यमला पगला दीवाना के साथ ही चल रहा है काफी टाइम से। इसी की अलग अलग फिल्में आती है, यमला पगला दीवाना ही, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आया, अब आया थर्ड पार्ट जिसका टीजर आ चुका है। एक बात बताओ, टीजर कोई 1.5-2 मिनट का होता है क्या? खैर कोई बात नहीं, टीजर आ चुका है। सनी देओल दिख रहे हैं, बॉबी देओल दिख रहे हैं, धर्मेंद्र पाजी दिख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो धर्मेंद्र को देखना होता है, वाकई आई लव धर्मेंद्र। लेकिन लोगों से पूछते हैं कि इसका टीजर देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कैसा है यमला पगला दीवाना फिर से। पहली अच्छी थी, दूसरी बुरी थी, तीसरी उससे भी बुरी होने जा रही है। पहली में ये क्रेज़ था कि तीनों जो साथ आ रहे हैं, सनी, बॉबी और धर्मेंद्र, तो कैसा होगा। दूसरी जब आई तो ये लगा कि वही डायलॉग्स रिपीट हो गए। तीसरी में तो डायलॉग्स भी नहीं है, जो टीज़र दिखाया है इसमें कुछ डायलॉग्स नहीं है। सलमान खान को ज़रूर दिखाया है क्योंकि सलमान खान बिकता है, इसीलिए उसको भी डाला हुआ है। मे भी छोटा मोटा रोल कुछ किया हो कैमियो उन्होंने, बट कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव सा नहीं लगा है। ट्रेलर आने पर ज़्यादा पता चल पाएगा, अभी तो वही रटे रटाए डायलॉग्स हैं और वही हैं, हम पंजाबी हैं, हमारे मुंह में पानी ऐसा ही आ जाता है बोतल को देख के। तो ये कुछ खास इम्पैक्ट वाला टीज़र नहीं है, बाकी फिर भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो सब। मुझे टीज़र पसंद आया है, बट मैंने क्योंकि अभी तक इसके जितने भी सीक्वेंसेस आए, जो भी बन चुके हैं, ये सीक्वेंस है दो, बट अभी तक जितने भी फिल्म आए यमला पगला दीवाना उसके बाद भी इन तीनों की तिगड़ी आई है, तो मैंने कोई भी फिल्म देखी नहीं है। मैं शायद ये भी नहीं देखूंगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बट क्या, टीज़र तो अच्छा है, कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, धर्मेंद्र जी हमेशा ही मज़ेदार जब भी कैरेक्टर करते हैं तो मज़ा आता है उन्हें देखने, बट मैं फिल्म नहीं देखने वाली। अभी यमला पगला दीवाना फिर से का ट्रेलर देखा, सॉरी टीजर देखा, ठीक ठाक लगा मुझे, क्योंकि अभी ये बस टीजर है 1.5 मिनट का लगभग, में तो ज़्यादा पता नहीं चल पाया कि आखिर इस मूवी में है क्या। एक स्पेशल चीज़ ये है कि सलमान भाई इस फिल्म में शायद दिख सकते हैं क्योंकि टीजर में उनकी जो है वॉइस उन्होंने दी है और एक बार गेस्ट अपेयरेंस भी उनका हुआ है, तो एक यही एक मुझे पता चला है कि हो सकता है सलमान खान रहेंगे इस फिल्म में, शायद दर्शक खींचने में कामयाब हो। इसके अलावा धर्मपाजी एक बार फिर बुढ़ापे में इतने नौजवान वाला रोल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा देखना। हालांकि ट्रेलर का इंतज़ार रहेगा, तभी जाके कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर इस फिल्म में है क्या। यमला पगला दीवाना जो मूवी है उसका थर्ड पार्ट आ रहा है और ट्रेलर आ गया, टीज़र है, ट्रेलर है, मेरे को तो पहले ये कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि टीज़र में कुछ टीज़ करते हैं, इन्होंने तो टीज़र में पूरी स्टोरी बता दी है, तो वही सेम ओल्ड, किसी का काम तो रहा नहीं। वो गलती से जो है शायद बॉबी देओल को सलमान खान ने अपनी मूवी रेस 3 में कास्ट कर लिया था, तो शायद इस वजह से गुडविल जेस्चर के लिए वो शायद इस मूवी में थोड़ा सा छोटा सा कैमियो कर ले सलमान खान। लेकिन मैंने पिछली दो मूवीज़ नहीं देखी थी, यमला पगला दीवाना, तो ये वाली मूवी भी शायद मैं स्किप कर दूँ क्योंकि इतना कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट नहीं है। हाँ, स्लैपस्टिक कॉमेडी है तो अगर आपको मन करे तो आप जाके देख सकते हैं, बट टीज़र से तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया और ना ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी लग रही है। पहली बात तो ये है कि मुझे ये टीज़र कम ट्रेलर लगा क्योंकि सब कुछ तो दिखा दिया था इसमें। मैंने पहली नहीं देखी है, मैंने दूसरी नहीं देखी और मैं फिर तीसरी नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ी बहुत कॉमेडी हल्की फुल्की जिसको पसंद है वही देख सकता है, मुझे भी पसंद है कॉमेडी, बट मुझे इन तीनों की केमिस्ट्री मुझे पहले से भी पसंद नहीं है तो शायद मैं ना देखूँ फिल्म। यमला पगला दीवाना फिर से आ रही है, एक बार उसका टीज़र आया और काफ़ी दिलचस्प था, कॉमेडी था, देओल परिवार एक बार फिर से साथ में आ रहा है तो लोगों को उम्मीद तो है ही कि कॉमेडी तो होगी होगी। बॉबी देओल के करियर को रेस 3 के बाद इस मूवी में शायद ज़्यादा तवज्जो मिल सकती है। बहरहाल थोड़ा सा लग रहा है कि गुजराती टच से भरपूर होगी ये मूवी क्योंकि पहले पंजाबी थी और इस बार गुजराती सुनाई दे रही है टीज़र के अंदर। साथ ही एक और पैकेज है, दमदार पैकेज, वो है सलमान खान, बैकग्राउंड में आवाज़ तो देती ही है और लास्ट में उनकी एंट्री भी दिखाई गई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि मूवी कैसी होगी। ये तो पता ही था मिला जुला रिस्पांस मिलेगा इसके टीजर को लेके, मतलब जो फैन है कुछ लोग वो थोड़ा बहुत तारीफ कर रहे हैं, बाकी लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है यार कॉमेडी देखनी है तो ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो परिवार है देओल परिवार मज़ा तो लाता है। फिलहाल आप भी देख के हमें बताइए टीजर को कि आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।